अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो आप उससे कैसे बचा सकते हैं अपने मोबाइल को, और अगर आपका मोबाइल किन वजूहात की वजह से हैंग होता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का, सिर्फ 500 लाइक का। मुझे पता है आप लोगों ने कर देना है, तो जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। या दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने का। आपको मैं बस सबसे पहले बता देता हूं कि आपका मोबाइल हैंग क्यों करता है। हैंग आपका मोबाइल इस वजह से करता है अगर आपका मोबाइल में स्टोरेज जो है 32 GB है, या फिर 64 GB है, या फिर आपकी 128 GB है। तो आप लोग करते क्या हैं, अपने मोबाइल को कंप्यूटर समझ के सारा कुछ उसमें डाल देते, वीडियो ऑडियो सारी मेमोरी फुल कर देते। तो देख सकते हो यहाँ पर 32 GB जो है मेरी स्टोरेज है, और जिसमें से मैंने 9 GB यूज किए बगैर मेरी सारी की सारी स्टोरेज जो फ्री है। तो दोस्तों मैं ज्यादा इसमें चीजें नहीं रखता हूँ। आप लोग क्या करते हो, वहां पर आपने करना क्या होता है, सिंपल आपने करना है वो 32 GB भी यहाँ से फ्री फुल कर देते हो, और जो मेमोरी कार्ड इसमें डाल के 32 या 128 GB का मेमोरी कार्ड भी इसमें घुसा कर उसको भी फुल कर देते हो, जिसकी वजह से उसमें कुछ वायरस होता है, या फिर कोई आप इंटरनेट यूज करते हो उससे वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या, अगर 32 GB मेमोरी है तो उसमें से कम 10 GB आपने फ्री रखनी है अपने मोबाइल में, जिससे आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। दूसरी ट्रिक यह है कि आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिपेयर सिस्टम। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पे सिंपल सर्च करना है रिपेयर सिस्टम, तो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने की ये सारा कुछ आपको रिपेयर करके देगा। आपका मोबाइल में जितने भी जंक फाइल्स होती हैं, अक्सर रुकावट इस तरह होता है, ये देखते हैं जो आपसे ये परमिशन मांगे आपने इसको परमिशन दे देनी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल रैम, टोटल रैम मेरी 3 GB है, जिसमें से अवेलेबल रैम 1.2 GB और सिस्टम एंड एप्स में 1.6 GB यूज हो रही है। ठीक है, बैटरी 75% है, स्टोरेज मेरी यहाँ पे सारा कुछ आपको सारी डिटेल यहाँ पे आपके मोबाइल की बता देगा। स्टोरेज सेटिंग है, बैटरी इन्फॉर्मेशन है, बैटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बैटरी टाइप लियोन है, पावर्ड अनप्लग्ड है, 35 डिग्री का टेम्परेचर है, बैटरी वोल्टेज 40-50 MV है, और नोट चार्जिंग है, और बैटरी हेल्थ गुड है। आप इसे अपनी बैटरी हेल्थ भी देख सकते हैं। उसके बाद आप स्टोरेज सेटिंग में चले जाएं। स्टोरेज में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियो फाइल्स कितनी हैं, ऐप्स कितनी हैं, एपीके फाइल्स कितनी हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद आ जाता है टूल्स। अपने इस टूल्स की मदद से अपने मोबाइल को रिपेयर करना है। कैची क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या भी कोई भी आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसकी एक फाइल बनती है, जो कि जंक फाइल्स होती हैं, वो आपके मोबाइल में उसका स्टोरेज बनता रहता है। ये देख सकते हैं 62 MB का ये, और 160 MB का यहाँ से, 25 MB, टोटल 147 MB का यहाँ से बन गया। क्लीन कैची पे क्लिक करूंगा, सारा ये क्लियर हो जाएगा, और आपका जो मोबाइल है वो सारा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मैनेज एप्स में, आपने क्लिक नहीं करना, आपने जाना रिपेयर सिस्टम में। जैसे आप रिपेयर सिस्टम में क्लिक करेंगे, सारी की सारी जो एप्लीकेशन होगी वो सारी रिपेयर होने शुरू हो जाएंगी। जो इनमें से एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल को हैंग कर रही होगी, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा, या आपको कहेगा इसमें इसको ज्यादा यूज ना करें, या आप सारे इसकी सारी परमिशन आपने इसको दे देनी है, फिर ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है सबको ये स्कैन कर रहा है, और मेरे मोबाइल में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो मेरे मोबाइल को हैंग कर रही होगी तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ स्कैन हो चुका है, और आपका मोबाइल अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब आप इस एप्लीकेशन को सिंपल जाए यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करें, अनइंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, और इसको अनइंस्टॉल कर दें। आप हफ्ते में एक बार इसको ऐसे कर सकते हैं, और अपने मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं, और आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। देख सकते हैं आपके सामने इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको इंस्टॉल करें, अपना काम निकालें, बाद में इसको अनइंस्टॉल कर लें, तो आपका मोबाइल हैंग कभी भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।